फिर गैस चैंबर बनी दिल्ली, न बाहर न घर में सांस लेना हुआ मुश्किल, दिल्ली पर भारी पड़ोसियों का पराली कांड, बुजुर्गों की आफत, घर में कैद हुए नौजवान, आलूदगी का वार, कब जागेगी सरकार, दिल्ली को मरने से बचाओ सरकार, तो दिल्ली की सांस लगातार लोगों के जिस्म में जहर घुल रही है। धुएं का गुबार आजकल दिल्ली में हर तरफ देखा जा सकता है। दिवाली के पटाखों का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उस पर पराली का वार लगातार जारी है। दिल्ली की सांस लगातार लोगों के जिस्म में जहर घुल रही है। धुएं का गुबार आजकल दिल्ली में हर तरफ देखा जा सकता है। दिवाली के पटाखों का असर अभी भी कम नहीं हुआ था, ऊपर से पराली का वार लगातार जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर को अगले दो दिन आलूदगी से राहत मिलने के आसार नहीं है। कल गाजियाबाद मुल्क का सबसे आलूदा शहर रहा, दूसरे नंबर पर नोएडा रहा, जबकि तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा और चौथे नंबर पर मुरादाबाद रहा। मुल्क की राजधानी 400 AQI के साथ छठे नंबर पर रही। ये लिस्ट है प्रदूषण की लिस्ट, और इस वक्त स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दुनिया भर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की तस्वीरें हैं। कहीं हरे कहीं पीले, लेकिन कहीं एक साथ लाल और मरून, यानी गहरे लाल रंग के जो निशान आप देख रहे हैं ये भारत की और उत्तर भारत में भी ये उत्तर प्रदेश के शहरों की तस्वीरें हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को बहुत पीछे छोड़ते हुए 665, 664 और 697 के आसपास पहुंचा हुआ है। सबसे पहले हम आपको गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहे हैं, 664, इसके आसपास ही है नोएडा। यहां आप नोएडा की तस्वीर भी देख लीजिए, ये आपने अभी गाजियाबाद की एयर क्वालिटी देखी, वसुंधरा की एयर क्वालिटी देखी, और अब आप इसके आसपास के इलाकों को देखिए। सब जगह हालत ऐसी है कि आप अगर घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, या फिर एयर प्यूरिफायर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हालात इतने बेहतर कभी नहीं हो पाएंगे। हरियाणा पंजाब में पराली जलाए जाने से बने हालात पर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इसमें जो लाल डॉट आप देख पा रहे हैं वो पराली जलाए जाने के वाकियों को दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका इन रेड डॉट से भरा पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल हवाओं का रुख पंजाब और हरियाणा से दिल्ली और एनसीआर के शहरों की तरफ है, और इसीलिए इन इलाकों में आलूदगी लगातार बढ़ रही है। दमघोटू आलूदगी से बच्चों और बुजुर्गों को खासी परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है, और ना जाने कितने लोगों के फेफड़े इस जहरीली हवा का शिकार हो रहे हैं। आलूदगी के खिलाफ सख्त कानून की कमी और पड़ोसी रियासतों में जलाई जा रही पराली इसकी बड़ी वजह है। अब मुल्क की आवाम कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि पुख्ता कदम चाहती है, ताकि इस धीरे धीरे जिस्म में घुलने वाले जहर से बचा जा सके। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली में आज आलूदगी को लेकर क्या हालात हैं, देखते हैं जी मीडिया नुमाइंदे निवृत्ति मोहन की एक रिपोर्ट। दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, और ये ट्रेंड दिवाली के बाद से ही शुरू हो गया है, और तमाम जो तथाकथित प्रयास हैं सरकारों के वो लगभग हम कह सकते हैं ये हालात देखने के बाद के सफल तो नहीं ही रहे हैं। आज के जो हालात है दिल्ली के एयर क्वालिटी के, आज भी वेरी पुअर कैटेगरी में दिल्ली
जो है का ओवरऑल AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वेरी पुअर कैटेगरी में है। लगभग 392 AQI आज नोट किया जा रहा है दिल्ली का। वहीं अगर आप ये मैप देखेंगे हमारे पास जो है दिल्ली का पॉल्यूशन मैप है, ये सफर का है, और इसमें धीरपुर इलाके का अगर आप देखेंगे तो यहाँ थोड़ी PM10 के कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़े से कम है, पुअर कैटेगरी में है, लेकिन PM2.5 वेरी पुअर कैटेगरी। सबसे बुरे जो हालात हैं ये देखिए आप, जो जितने भी दिल्ली के इलाके दिखा रहा है ये सब आपको रेड कलर में नजर आएंगे, यानी वेरी पुअर कैटेगरी में तो है ही ये सभी इलाके। जहाँ जहाँ पर भी मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं उन सभी इलाकों का जो लेवल है वो वेरी पुअर कैटेगरी में तो दिखा ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खराब हालात हैं वो चांदनी चौक इलाके के हैं, जहाँ पर आप PM10 की कॉन्सेंट्रेशन को अगर देखेंगे तो 673 है, ये बहुत ही ज़्यादा है, और एक स्वस्थ इंसान की सेहत पर भी बुरा असर डालने वाली एयर क्वालिटी है ये। और PM2.5 जो और छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ये जो दिखा रहा है ये 598 है, जो सीवियर कैटेगरी में पड़ती है। तो ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा इफेक्टेड इलाका है इस वक्त। और नोएडा आपको दिखाएंगे, नोएडा भी आपको सीवियर कैटेगरी में दिखाई देगा, जो PM10 535 है सीवियर कैटेगरी, PM2.5 519 सीवियर कैटेगरी। इसी तरीके से सारे और जो और दूसरे इलाके हैं अलग अलग, वहाँ पर सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। विंड्स की जो स्थिति है इस वक्त की वो बताया जा रहा है, करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विंड्स चल रही है, जो बहुत कम है। विंड स्पीड जो पर्टिकुलेट मैटर है उसको डिस्पर्स करने के लिए, पॉल्यूशन को डिस्पर्स करने के लिए, तो स्थिति अभी भी इस वक्त भी खराब ही बनी हुई है पॉल्यूशन की।